ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 13 फरवरी 1964 गुरुवार। रिकॉर्ड चला है, लौट गया गम का जमाना। जबकि रावण का राज्य है, जिस रावण के राज्य को ये मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं, और तुम्हारे लिए ये रावण का राज्य जो गम का जमाना है वो लौट गया। रावण का राज्य किसको कहा जाता है और राम राज्य किसको कहा जाता है? मनुष्यों में इतनी भी बुद्धि नहीं है जानने की कि रावण का राज्य अर्थात रुलाने वाले का राज्य है और राम का राज्य अर्थात रमण करवाने वाले का राज्य है। बाप खुशी में रमण कराते हैं ना, तो ये बातें बाप ही आकर के समझाते हैं, सिर्फ बाप। और किनको समझाते हैं? बच्चों को, जिनको अभी समझ पड़ती है कि गम कब होता है और खुशी कब होती है। और खुशी को भी कहा जाता है स्थाई खुशी, और गम है अस्थाई। गम भी है तो खुशी भी है। अभी अभी देखो तो खुशी होगी और अभी अभी देखो गम हो जाएगा। अभी अभी किसको बच्चा पैदा हुआ और अभी अभी वो मर गया, तो देखो वहां की वही खुशी और वहां का वही गम। ये दुनिया अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की है। संन्यासी लोग भी ऐसे कहते हैं कि यहाँ का सुख काग विष्टा समान है, तो जरूर कहेंगे कि ये दुनिया गम की है, क्योंकि वो खुद भी तो ऐसे समझाते हैं ना। उनको मालूम तो है नहीं कि सदा सुख राम का नाम निशान राम के राज्य में होता है। इस दुनिया में तो गम का नाम निशान नहीं होता है। कौन सी दुनिया में? राम के राज्य में। और वो तो होता ही है, राम राज्य कहो, सतयुग कहो, वैकुंठ कहो। कि बरोबर ये रात है और रात दुख की होती है। खाने की रात होती है, रात
रावण जब आते हैं तो रात शुरू हो जाती है। कब आते हैं रावण? द्वापर के आदि में रावण आते हैं। तो कौन हुआ रावण? है इब्राहिम सतो प्रधान आत्मा आती है या तमो प्रधान आत्मा आती है? है तो उसे रावण कहे? सतो प्रधान आत्मा रुलाती है, रुलाती है। फिर क्यों कह दिया रावण? इब्राहिम किसको कहे रावण? हैं? अरे राम राज्य और रावण राज्य का ज्ञान कब होता है? रावण राज्य को बदल कर राम राज्य कौन लाते हैं? कब लाते हैं? ये संगम युग ही है जहां माया रावण का राज्य भी है और राम बाप भी आया हुआ है। तो रावण राज्य की रात की शूटिंग कब होती है? भक्ति शुरू हो जाती है, विकार शुरू हो जाते हैं। विकार किसे कहा जाता है? कार माने कर्म, वे माने विपरीत। विपरीत कर्म को ही विकार कहा जाता है। काहे के विपरीत? भगवान बाप आते हैं, जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत के विपरीत कर्म को विकार कहा जाता है। तो विकार द्वैतवागी युग द्वापर में शुरू हो जाते हैं। अर्थात राम बाप आते हैं, कोई की बुद्धि में राम बाप का परिचय बैठता है तो बुद्धि सतो प्रधान होती है या तामसी होती है? पहली पहली बार जब निश्चय होता है कि हमें बाप मिला, बाप आया हुआ है, तो उस समय बुद्धि सात्विक है या तामसी है? सात्विक बुद्धि में बाप की मत पर चलने की ही आकांक्षा होती है। परंतु फिर औरों के संसर्ग संपर्क में आते हैं तो दूसरों की मत ग्रहण कर लेते हैं और द्वैतवादी युग की शूटिंग होने लग पड़ती है। तो विपरीत कर्म करते हैं, श्रीमत को भूलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को तो ये मालूम है कि हम सदा सुख में रहने, सदा खुशी में रहने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? हैं? रावण के गम में
ना आवे। राम बाप जो खुशी देते हैं उसी खुशी में रहें। रावण के प्रभाव में ही ना आवे, उसके लिए क्या करें है? सदा खुशी में रहने के लिए द्वैतवादी द्वापर युगी रावण राज्य में ही ना आवे। क्या करें हैं? अरे सदैव राम बाप की ही श्रीमत पर चलें, कोई दूसरे की मत को न माने। बच्चे ये भी जानते हैं कि बाप आया ही है, ये समझाने के लिए बच्चे भविष्य के लिए तुम प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, क्योंकि अब बाप राज तो बहुत सहज समझाते हैं और तो कुछ भी नहीं कहते। और तो बाबा को कोई भी आशाएं रखनी भी नहीं है, इनमें बाप या टीचर आया हुआ है, किनमें है, किनमें आया हुआ है, है? इनमें क्यों कहा? अगर एक राम की ही बात है तो इसे में कहना चाहिए, बहुवचन क्यों कर दिया? क्योंकि राम बाप प्रत्यक्ष होते ही तब हैं जब मनुष्य सृष्टि के बाप में कृष्ण चंद्रमा की भी आत्मा प्रत्यक्ष होती है, वो भी प्रवेश करती है। इसलिए कहा इनमें बाप या टीचर में बाप आया हुआ। बच्चों को मालूम नहीं है कि वेद के बाप से क्या मिलता है। हद के बाप तो 84 जन्म में 84 हुए, उनसे क्या मिला? कितने बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए, एक एक धर्म पिता के 200 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स, उनसे क्या मिला? हिस्ट्री क्या कहती है? और अभी बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे क्या मिलता है? ये बात भी बाप आकर के बताते हैं। दुनिया नहीं जानती है कि ईश्वर से भी कुछ मिलता है, वो तो समझते हैं ईश्वर से सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है। ईश्वर ही सुख देते हैं, ईश्वर ही दुख देते हैं। ईश्वर सुख भी देते हैं तो दुख भी देते हैं। परंतु बच्चे तो अभी ये बात समझ गए हैं कि ईश्वर सदा के लिए सुख देते हैं। ईश्वर का टाइटल क्या है? दुख का सागर। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? सुख का सागर है, प्रेम का सागर है। तो बच्चों को सुख के लिए श्रीमत पर चलना चाहिए,
श्रीमत पर चलने का प्रयत्न करूं, क्योंकि मैं आया ही हुआ हूं बच्चों को रास्ता बताने। कहां का रास्ता बताने? मूल वतन का, विष्णुपुरी का, सुखदाम का रास्ता बताने, और उस रास्ते पर बच्चों को चलना है। बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में क्या क्या झंझटें आती हैं, वो तो झंझट है ही सभी बच्चों को। इन झंझटों में तो सभी मनुष्य हैं, गरीब भी हैं तो साहूकार भी हैं। बाप कहते हैं मैं तो सीधा साधा रास्ता बताने आया हूं, जो चाहो तो मुक्तिधाम का रास्ता ले लो, सो भी बहुत सहज रास्ता बताता हूं, बाकी तुम्हारे पास जो विपदाएं आती रहती हैं, बीमार पड़ते हो, दुखी होते हो, अथवा धंधे में दिवाला मारते हो, तो ये तो सभी तुम्हारा अपना पास्ट का कर्म है। 63 जन्मों में जो तुमने किया है उसका ही प्रतिफल मिलता है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भगवान बाप आया है तो हमको ये दुख क्यों होते हैं। वो तुम्हारे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब तो तुमको ही भोगना है। बाप कहते हैं इन पूर्व जन्मों के पापों से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है, ये तो तुम्हारे पाप किए हुए हैं, अथवा इस समय में भी कोई ऐसे पाप करते रहते हो, इसलिए तुमको दुख भोगना पड़ता है। अभी बाप कहते हैं मैं तो आया हूं उन बच्चों को समझाने के लिए कि बच्चे अभी बाप को याद करो, क्योंकि तुमको वापस जाना है। बस अभी और तो कुछ नहीं कहते हैं। 13-2-64 की वाणी का दूसरा पेज। जब घर में जाकर के झगड़ते हो व कुछ भी करते हो, क्या घर में जाकर झगड़ा टंटा करते हो, अथवा कुछ भी कर्मेंद्रियों से करते हो, तो ये तुम्हारे कर्म हैं क्या? पूर्व जन्मों में तुमने जो और जैसे और जिसके साथ जो जो कर्म किए हैं उनका हिसाब किताब तुमको खुद ही भोगना पड़ता है। मांदेली माताएं कहती हैं हमको बहुत दुख देता है, क्यों कहती हैं ऐसे? है देवान में आकर कहती हैं या आत्माभिमान में होती है ये कहती हैं? अगर आत्माभिमानी बने तो बुद्धि में आ जाए एक जन्म स्त्री का और एक जन्म पुरुष का मिलता है।
हमने भी पूर्व जन्म में दाढ़ी मूछ वाला बन करके कुछ दुख दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दुख दिया होगा तो उसका हिसाब किताब पूरा होता है। तो बाप कहते हैं कि नहीं, हमने झगड़ने करने में बहुत आयु बिताई, जन्म जन्मांतर गंवाए हैं, अब तो बाप बिल्कुल ही सीधा भोला भाला, देखो कहा भी जाता है भोलेनाथ, बच्चों को रास्ता बहुत सहज बताते कि बच्चे एक तो मुझे याद करो, कोई भी प्रकार से मुझे याद करो। क्या कहा? ये कोई भी प्रकार क्या होता है, है? दुश्मन समझ के याद करें है? तो कोई भी प्रकार में ये प्रकार नहीं आता है, है? नहीं आता है। अच्छा, जो विधर्मी धर्म पिताए हैं, जो सिर्फ निराकार को मानते हैं, साकार को मानते ही नहीं, वो अंत तक विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? तो दुश्मन समझ करके याद नहीं करेंगे। रावण ने कैसे याद किया था, हैं? कैसे याद किया था? दुश्मन समझ के याद किया था, भाई बंधे या दोस्त समझ के याद किया था, है? दुश्मन समझ के याद किया था तो क्या प्रतिफल उसको दिया? उसकी भी मुक्ति हुई कि नहीं हुई? उसकी भी मुक्ति हो गई। तो कोई भी प्रकार से मुझे याद करो, माना कोई संबंध से भी याद करो, बच्चे के रूप में याद करो, बाप के रूप में याद करो, कोई भी संबंध से याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं कि स्त्रियों का पुरुषों में और पुरुषों का स्त्रियों में मोह बहुत रहता है, है? सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा संबंध है जिसमें मोह लटक जाता है? ये स्त्री पुरुष का भी संबंध तो है ना, तो इन संबंधों से छुटकारा पाना ये बच्चों का काम है। क्या मतलब है? इन संबंधों से छुटकारा पाने के लिए क्या करें? क्या तरीका बताया? इशारा तो दिया है, बाप के संबंध से याद करो, हाँ ये बताया कि कोई संबंध ऐसा भी है जिस संबंध से अगर याद करेंगे तो जैसे दुनिया वालों में मोह लटक जाता है, ऐसे ही बाप में भी मोह लटक जाएगा। खास करके कुमार कहेंगे हम कैसे याद करें, हैं? उनको ये प्रश्न क्यों पैदा होगा, हैं? है? हाँ, उनको ये देह भान आता है कि हम भी पुरुष और बाप भी पुरुष तन में आया हुआ है, हम कैसे साधन सजनी का संबंध है भाई? तो बाप कहते हैं
तुम भविष्य के लिए प्राप्ति करने आए हो कि वर्तमान के लिए प्राप्ति करने आए हो? है, और भविष्य में जो भी 21 जन्म हो या 63 जन्म हो, उन जन्मों में शिव बाबा इस सृष्टि पर कायम रहेगा या नहीं रहेगा? है, रहेगा। जब कायम रहेगा तो तुम उस समय अभी जो आत्मा रूपी बच्चे हो वो सजनी नहीं बन सकते। है, बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारे पतियों का भी पति बन करके आया हूं। तो भूलना नहीं है कि अभी हम बाप के बच्चे किस रूप में हैं? है, स्त्री पुरुष रूप में है या आत्मिक रूप में बच्चे हैं? बाप किन बच्चों को पढ़ाने आया है? आत्मा रूपी बच्चों को पढ़ाने आया है। ये गलती नहीं कर लेना क्या कि अपन को पुरुष समझ लिया। तो बाप सिर्फ रास्ता बताते हैं कि बच्चे अगर तुमको मेरे से वर्षा लेना है तो एक तो तुमको पवित्र बनना है, वो रास्ता बता देते हैं कि कैसे पवित्र बनना है। योग में रहना है। क्या? कई में रहना है, योग में रहना है, वियोग में नहीं रहना है। क्या होता है योग और वियोग? योग माने लगाओ। किसकी लगाओ में? एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगाव में रहना है। अगर इस लगाव के अलावा और किसी में लगाव लगाया तो कर्म होगा या विकर्म होगा? है, विकार हो जाएगा, तो फिर पाप भस्म नहीं होंगे। अभी अगर तुम्हारे से कोई लड़ाई होती है तो ये तुम्हारे कर्म का हिसाब किताब है। तो कर्म जब तक कूटते रहेंगे तुम्हारे से लड़ते भी रहेंगे, बाकी तुम पवित्र रहो। क्या? मनसा से भी, वाचा से भी और कर्म इंद्रियों से भी। माताएं कहेंगी हम तो अबला हैं, पुरुष तो कर्म इंद्रियों से प्रबल होते हैं, हम कैसे पवित्र हैं? तो बाप कहते हैं जबरदस्ती तुम्हें बांधा बूंदी करके अगर विकार में डालते हैं तो पाप किसका बनेगा? हैं? पाप उनका बनेगा जो क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, बलात्कार करते हैं। बलात्कार माने बलपूर्वक कुछ करते हैं तो उनका पाप बनेगा। इसके लिए कभी भी कोई गवर्नमेंट भी तुमको कुछ नहीं कर सकती है। क्या गवर्नमेंट इस पक्ष में है कि कोई किसी के साथ बलात्कार करे? पक्ष में है? नहीं, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। कितने घर बार छोड़ करके साधु संन्यासी बन जाते हैं,
गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई केस कर पाती है क्या? करती है नहीं? कोई कहती है, लिखती है, हम मार खाती हैं। ये घर का बंधन है। वो तो बाप समझाते रहते हैं। कोई जानवर तो तुम नहीं हो क्या? तुम मनुष्य हो या जानवर हो? हैं? तुम जानवर तो नहीं हो, इसलिए कहा हैं? जानवर को बुद्धि नहीं होती है, इसलिए जानवर को पकड़ के बांधा जाता है। और तुमको तो बुद्धि है, तुम कोई जानवर नहीं हो। जो तुमको कोई रस्सी से बांधा हुआ हो, कोई रस्सी से बांधा हुआ है, हैं? और मान लो बांध दिया जाए और फिर पिटाई करे तो क्या करेंगे? हैं? अभी गवर्नमेंट की बात बताई, क्या बात बताई? गवर्नमेंट का भी ये कानून नहीं है कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती करे। अगर चोट का निशान है तो क्या करो? पुलिस में जाकर कंप्लेंट करो, कंप्लेंट का प्रूफ FIR लो। वो लिखित प्रूफ तुम्हें देंगे कि इन्होंने ये कंप्लेंट की। और हॉस्पिटल में जाकर के चेकिंग कराओ, हॉस्पिटल का भी प्रूफ लेना पड़े। इसमें तो बहुत बहादुरी चाहिए क्या? हैं? बहुत बहादुरी चाहिए, बिल्कुल बहादुरी। सो भी बाप समझाते रहते हैं कि बच्चे जाओ, कोई भी तकलीफ हो, तुमको कोई भी तकलीफ देता है तो गवर्नमेंट के ऑफिसरों को पकड़ो। तो छोटे मोटे ऑफिस होते हैं, थाना वाना, उनमें तो पैसे लेकर के पतियों से पैसे ले लेंगे और तुमको भगा देंगे। तो क्या करो? बड़े बड़े ऑफिसरों को पकड़ो। ये तुम लोगों का काम है, ये मेरा काम? मेरा काम नहीं है। बाप तो रास्ता बताते हैं, बाकी वो बंधन से छूटो ये तुम बच्चों का काम है। तुमको कोई भी हालात में, ग्रस्त व्यवहार में पवित्र रहना है और योग में रहना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र रहना है। क्या इशारा दिया है? पवित्रता, पवित्र रहना या न रहना, ये मूल रूप से मन का काम है क्या? कोई जबरदस्ती भी करता है, अपवित्र बनाता है, तो तुम बाप की याद में ऊपर उड़ जाओ। मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊपर उड़ जाएगी तो शरीर मुर्दा हो जाएगा या हरकत करेगा? मुर्दा हो जाएगा। और मुर्दे से कोई कब तक प्यार करेगा? एक बार करेगा, दो बार, चार बार, दस बार, आखिर गुस्से में आकर के क्या करेगा? है?
ठसक देगा, मरा ससरे। वो समझते हैं कि हम इनको बहुत सुख देते हैं। बाप बताते हैं ये सुख नहीं देते हैं, ये काम विकार महाशत्रु है, इसने जन्म जन्मांतर 63 जन्म तुमको दुख दिया है। तो बाप की याद में रहना है, पवित्र रहना है। अभी पवित्रता का क्वेश्चन ही भारी हो जाता है। क्या जिसके लिए मनुष्य कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, क्या घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना, क्योंकि ये शिक्षा दुनिया में कोई भी साधु संत महात्मा धर्म पिताओं ने ये शिक्षा नहीं दी है। क्या कि घर गृहस्थ में स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और पवित्र रहें, न दूसरों को ये शिक्षा दी है और न खुद करके ऐसा दिखाया है। क्योंकि दूसरों को शिक्षा दें और खुद न करें तो शिष्य लोग क्या कहेंगे, हैं? कहेंगे ना, आप गुरुजी बैंगन खाएं, हमको तरकीब सिखाएं। तो ये तो नहीं चलता। ये तो एक बाप ही है जो बेहद के परिवार में रहता है और फिर भी पतित बनता है कि पावन होकर रहता है। पतित किसे कहा जाता है ये भी नहीं जानते। किसको कहा जाता है, हैं? अरे पतित किसको कहा जाता है यही पता नहीं। भिखारी माना क्या, पतित कहा जाता है ये पेन ऊपर है, है बुद्धि की बात, पेन की बात नहीं है। बुद्धि ऊपर परम धाम में है तो बुद्धि पावन है या पतित है, और बुद्धि नीचे गड्ढे में गिर जाए तो पतित है या पावन है। पैन ऊपर है, गिर गया इसे कहेंगे पतित हो गया। कोई पहाड़ पर है, गिर गया तो पतित हुआ। इसलिए भगवान के नाम जब जपते हैं तो पहला नाम क्या जपते हैं, भगवान के अनेक नाम दे दिए, एक ही श्लोक में अनेक नाम दे दिए हैं। पहला नाम क्या दिया है, हैं? अच्युतम, च्युत माने नीचे गिरना, अच्युतम माने नीचे न गिरने वाला। तो बाप कहते हैं बाप की याद में पवित्र रहना, और ये शिक्षा बाप के सिवाय कोई ने दी नहीं है। सन्यासी तो ये शिक्षा देते ही नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल फूल के समान रहो। ये कमल फूल का निशान क्यों दिया, कमल फूल क्या करता है, हैं? कमल फूल को कीचड़ में डुबो दो, कीचड़ के अंदर है, और ऊपर निकालो तो एक बूंद भी कीचड़ की उस पर ठहर नहीं सकती। तो यही है पवित्र रहना। नहीं तो क्या होता है, जो अपवित्र बनते हैं
तो बुद्धि कैसी हो जाती है, पतित रहती है कि पावन हो जाती है? जो पतित होते हैं उनकी बुद्धि लिप्त अर्थात लिम्पायमान होती है या नहीं होती है? हैं? विकारी इंद्रियां याद आती हैं बुद्धि को या नहीं आती हैं? हैं? विकारी इंद्रियां याद आने लग पड़ती है। इसीलिए बोला कि अंतमते सोगते हो जाती है। स्त्री पुरुष का संग करती है, सारा जीवन विकार में जाती है, तो अंतमते क्या होता है? है? पुरुष का वो अंग याद आता है और अंतमते क्या गति हो जाती है? पुरुष का जन्म मिलता है, ऐसे ही पुरुषों का होता है। सारा जीवन जो संग किया वो बुद्धि में याद जरूर आता है और अंतमते सोगते हो जाती है। तो कमल फूल समान माना क्या हुआ? बुद्धि विकारों में लिप्त बिल्कुल न हो, एकदम बाप की याद रहे। एक सेकंड में कैसी स्टेज बन जाए? हैं? निराकारी स्टेज बन जाए। यही तो बाप सिखाते हैं। क्या घर गृहस्थ में रहते हुए एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में आकारी और एक सेकंड में साकारी? तो देखो इस दुनिया में कोई भी सन्यासी नहीं है जो ऐसे कमल फूल समान इंद्रियों से बुद्धि से पवित्र रहते हो। भले कोई ब्रह्मचारी रहते भी हो, देखो कितने सन्यासी बाहर में रहते हैं, परंतु नहीं, ये तो कायदा ही है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए। दूरबाज खुशबाज नहीं, क्या गृहस्थ व्यवहार से दूर चले गए या जेल में चले गए? कोई की 20 साल 10 साल जेल हो जाती है, फिर आकर के ढिंग मारे कि हम इतने साल पवित्र रहे। तो क्या पवित्र रहे रह सकते हैं? हैं? नहीं रह सकते। इंद्रियां हैं तो कर्म किए बगैर नहीं रह सकती। तो देखो बच्चों को भी कहते हैं, बच्चियों को भी कहते हैं कि तुम वहां अपने गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल के समान पवित्र हो, परंतु ऐसे कन्याओं को नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? हैं? वो तो गृहस्थ व्यवहार में है ही नहीं, वो तो गृहस्थी बनी ही नहीं है। गृहस्थी माने हैं? घर बनाया हो, उसमें स्थित हो, घर गृहस्थ में स्थित हो तो गृहस्थी। तो उन कन्याओं के लिए तो बिल्कुल ही सहज है कि तुम गृहस्थ व्यवहार में न जाकर के पवित्र ही रहो। तो जैसे पवित्र ही हो,
अभी तुमको कोई ऐसा है नहीं कि पवित्र रहो और कोई तुमको फांसी पर चढ़ाई देवे। किनको है? कन्याओं को माँ बाप फांसी पर चढ़ा सकते हैं? जो कन्याएं पवित्र रहना चाहें, अपने माँ बाप के घर में रह करके भल गृहस्थी नहीं है, तो समाज उनको फांसी पर चढ़ाई देगा? गवर्नमेंट फांसी पर चढ़ाएगी? नहीं, ऐसे नहीं कि तुमको अपवित्र जरूर बनना है, ऐसा भी कोई कायदा नहीं है। उसमें तो बड़ी हिम्मत चाहिए। ऐसे करने के लिए भी कन्याओं का झुंड होना चाहिए। क्या एक दो कन्या की बात नहीं है? इस बात में भी सफलता कब मिलेगी? जब कन्याओं का झुंड होना चाहिए। कन्याओं का झुंड हो तो सफलता मिल जाएगी। तो रुद्रमाला की कन्याएं ऐसा झुंड बना सकती हैं? है? बना सकती हैं कि नहीं बना सकती हैं? है? बना सकती हैं? बोलो माताएं, बना सकती हैं? क्यों नहीं बना सकती हैं? हैं? हाँ, यहाँ तो रुद्रमाला के जो भी मणके हैं, भले स्त्री चोले में हो, कन्या चोले में हो, पूर्व जन्म के संस्कार क्या हैं भारत के? हैं? ये राजाएं आपस में ही मुड़फुट टोल करते रहे, ये किसी के बंधन में नहीं रहे। कोई राजा के बंधन में रहे हैं? अरे राम राज्य में तो फिर भी राजा अनेक होते हैं। जो एक बड़े राजा उसके बंधन में रहते हैं, बंधन नहीं कहेंगे, प्यार का बंधन में रहते हैं। लेकिन यहां द्वापर कलयुग में तो राजाएं आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे, तो फिर क्या सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है? अरे कुमारों अदर कुमारों के लिए कह दिया, ये तो क्या है? अरे धीरे से क्यों बोलते हैं? तो उनके लिए तो बात ये लागू ही नहीं होती। क्या है कि ऐसा झुंड बना सके? क्योंकि प्योरिटी में ही यूनिटी होती है, और भाई लोग तो ऐसी प्योरिटी का झुंड बना ही नहीं सकते। अच्छा माताओं की बात, माताएं बना सकती हैं? हैं? वो भी नहीं बना सकते, वो रुद्रमाला के मणके नहीं बनेंगी हैं? अभी नहीं है, हैं तो चलो राजाएं थोड़े होते हैं, लेकिन प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा भी तो लड़ाई लड़ती है कि नहीं लड़ती है? तो फिर ऐसा झुंड बनेगा या नहीं बनेगा? हैं? अरे बाबा ने तो बोला है, तो बाबा फालतू बोलता रहता है? हैं? अरे फालतू बोलता है, बनेगा ऐसा झुंड? हैं? कैसे बनेगा? हैं? हाँ, विजयमाला का आवाहन करो। क्या विजयमाला ऐसी शहद की मक्खियों का झुंड है जो आपस में इकट्ठी होकर के रहती है?
सारा ही 16,000 का झुंड किनके कंट्रोल, किसके कंट्रोल में चलेगा? है एक रानी के कंट्रोल में चलेगा। तो ऐसी कन्याओं का झुंड होना चाहिए। देखो आजकल एसोसिएशंस बहुत बनती हैं, बहुत ही कमेटियां बनती रहती हैं, बहुत ही क्या क्या बनती रहती है। बाप तो राय देंगे कि भाई कन्याएं हैं जिसको पवित्र रहना है तो आपस में संगठन करो और गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो कि हम पवित्र रहना चाहती हैं। परंतु सच्चे दिल पर साहब राजी होगा, चिट्ठी तो लिखो साइन कर दो भले, लेकिन सच्चे दिल पर साहब राजी होगा, झूठे दिल पर साहब राजी नहीं होगा। अगर उन लोगों को तुम सच्ची दिल पर लिखेंगी तो फिर जरूर उनकी बुद्धि में भी आएगा, उनकी बुद्धि का ताला ढीला करेगा कि भाई ये तो सच पर रहती हैं, इनकी दिल पवित्र रहने की अच्छी है और ये चिट्ठी भी लिख सकती है कि हम भारत को पवित्र बनाने, स्वर्ग बनाने, पावन बनाने के लिए पवित्र रहना चाहती है। तेरे 2:64 की वाणी का तीसरा पेज, वो समझेंगे कि इस बात में भारत का ही कल्याण है, क्योंकि हम पवित्र रहेंगी तो पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा, जो न पवित्र रहेंगे उनको वर्षा नहीं मिलेगा। यह है वर्षा लेने के लिए, जो करेगा सो पाएगा। वो लोग भले कुछ भी समझें कि क्या इनके पवित्र रहने से कोई दुनिया पवित्र हो जाएगी, नहीं, परंतु अगर उनको समझाया जाए कि क्यों सतयुग में तो पवित्र दुनिया थी, वो जो फिर संगम युग में पवित्र बने वही पवित्र दुनिया के मालिक बने, फिर सारी दुनिया कोई थोड़े ही पवित्र बनेगी, सब थोड़े ही कोई स्वर्ग में जावेंगे, जो पवित्र बनेंगे वो ही स्वर्ग में जावेंगे। सारी दुनिया का पवित्र बनने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्यों है, क्यों सारी दुनिया में जो और धर्म के करोड़ों लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं 200-250 करोड़, मुसलमान हैं, बौद्धी हैं, नास्तिक हैं, वो कोई जन्म में पवित्र रहते हैं क्या? रहते हैं, पवित्रता की मर्यादा में बंद कर रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो देखो जो पवित्र बनेंगे वो तो ऑटोमेटिकली बने ही जाएंगे, क्यों ऑटोमेटिकली क्यों बन जाएंगे, क्योंकि उनमें पूर्व जन्मों के पवित्र रहने के संस्कार हैं।
क्योंकि विनाश के बाद सभी आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू करके वापस चली जाएंगी। कौन वापस चली जाएंगी? और लंबे समय तक सोल वर्ल्ड में ही रहेंगी है? जो और धर्मों की आत्माएं हैं वो 2500 वर्ष तक, जो अपने धर्म के पक्के हैं, कभी कन्वर्ट नहीं होते, वो परमधाम में ही रहेंगी। गाते भी हैं कि ये कयामत का समय है। हर एक अपना हिसाब किताब चुकतू करके पवित्र हो वापस जाएंगे। तो बाप आकर के ये सभी बातें समझाते हैं। ये तो जरूर है कि सारी दुनिया भी पवित्र बनेगी। लेकिन बाप का जो वर्षा है, पवित्रता का वर्षा, वो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं नहीं लेंगी। वो आकर के कोई वर्षा नहीं लेंगे, क्योंकि वो बाप के सन्मुख आकर ज्ञान ही नहीं लेंगे। जो आकर के ज्ञान लेंगे और सहज राजयोग सीखेंगे वो ही वर्षा पावेंगे। बाकी तो जरूर जानते हैं कि बरोबर जिन्होंने बाप से राजयोग सीखा वो ही सतयुग में होंगे। और सारी दुनिया तो सीख भी नहीं सकती है। अरे सारी दुनिया तो क्या, सारा भारत भी सीख नहीं सकता है। सारे भारत में अभी कितनी आबादी है? सारे भारत में, दुनिया में नहीं है, कितनी आबादी है? अरे यही पता नहीं? हाँ 100 करोड़ से भी ऊपर है। जो आते हैं सुनते हैं उनको बाप दो अक्षर ही साफ कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल फूल समान पवित्र रहना है। पीछे पुरुष रहे या स्त्री रहे, उनमें आपस में झगड़ा लगे, बाप कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं, बाप से आकर लड़ाई लड़ते हैं ना, डुरापा देते हैं। अरे भगवान बाप आया हुआ है तो स्त्री पुरुष में झगड़ा क्यों कराई देता है? अरे ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। बाप वर्तमान की प्राप्ति कराने आया है या भविष्य की जन्मों की प्राप्ति कराने आया है? आत्मा की प्राप्ति कराने आया है या तुम्हारे शरीर की प्राप्ति कराने आया है? शरीर की पढ़ाई से एक जन्म का वर्षा मिलता है और आत्मा की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। आत्मा का कनेक्शन एक जन्म से है या अनेक जन्मों से है? अनेक जन्मों से है। तो तुम यहां पढ़ाई पढ़ते हो, ये तो उस दुनिया में भी होता है क्या? कोई बहुत तीखे होते हैं, बहुत तीखी पढ़ाई पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, जैसे महारानी विक्टोरिया का वजीर क्या रोड लाइट में पढ़ाई पढ़ता था, फिर क्या बन गया है? इंग्लैंड का जैसे महाराजा बन गया।
तो तीव्र कर्म करते हैं तो उन कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी जो मेरे बच्चे बनते हैं वो इसी जन्म में प्राप्ति कर लेंगे। विश्व की बात चाहिए इसी जन्म में लेंगे या सतयुग में लेंगे? इसी जन्म में लेंगे। तो बाप कहते हैं कि तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार में रहते जो झगड़ा टंटा चलता है ये तुमको आपस में मिटाना है। अगर फीमेल कहती है मैं पवित्र रहूंगी तो उनको पवित्र रहने दो। ये किससे कहा है? ज्ञान में चलने वालों से कहा पुरुषों से, ये अज्ञानी पुरुषों से कहा? ज्ञानी पुरुषों से कहा उनको पवित्र रहने दो। अगर तुम पवित्र नहीं रहने देते हो तो बाप क्या समझेंगे है? कि तुमने राजयोग की पढ़ाई का पहला पाठ नहीं पढ़ा है। क्या है पहला पाठ? आत्मा आत्मा भाई भाई। तो भाई को भाई के ऊपर दबाव डाल करके रहना चाहिए। भाई भाई को स्वतंत्र करे या न करे तो पवित्र रहने दो। क्या करेगा? अरे मार मार के भी कितना मारेगा? तुम कौन हो? किसको मारेगा है? आत्मा मरेगी? आत्मा तो मरने वाली नहीं, शरीर को मारेगा। ऐसे मार तो बहुत खानी है ना, मर गए। बाप को घड़ी घड़ी लिखना है कि हम बंधन में हैं, हमको मारते हैं। तो बाप के पास प्रूफ मौजूद रहेंगे। वो सारे प्रूफ किसके सामने जाएंगे है? धर्मराज के सामने जाएंगे। धर्मराज ऐसे सजा नहीं देगा, प्रूफ दिखा के सजा देगा या ऐसे ही सजा देगा? बंधन में है ही वो जिनका ममत्व तो होता है। क्या कहा है? क्या कहा? बंधन में कौन रहते हैं है? बंधन में वो रहते हैं जिनका ममत्व है, पति में हो या बच्चों में हो या बढ़िया बिल्डिंग है उसमें हो या अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को मिलते हैं। पता नहीं ईश्वर के घर में अंत तक खिचड़ी खाने को मिले। तो देखो ममत्व तो है तो फिर वो ताकत नहीं रहती है। कौन सी ताकत है? बंधन से बंधन को तोड़ने की ताकत नहीं रहती है। नहीं तो बाप सब बातें अच्छी तरह से समझाते हैं, क्योंकि चिट्ठियों में पुकारे तो बहुत आई हैं। रात को तुमने चिट्ठी सुनी ना कि वो जो बांधे ली है ना, रो रो कर मम्मा को भी घायल कर दिया। अभी उनके रोने से क्या हो सकता है? बाप तो कहते हैं कि बच्चे घर में रहते हो रास्ता तो बताते हैं,
पति को कहो हम पवित्र रहना चाहती हैं और हम तुम्हारे पास रह भी सकती हैं। भले तुम और स्त्री ले आओ, रख लो। और स्त्री रख लेंगे तो क्या होगा? ये भी तो बाप युक्ति देते हैं ना। वो और स्त्री रख लेगा तो क्या होगा? हाँ, कोई कोई माताओं को तो हादसा हो जाएगा। अरे और स्त्री रख लेंगे तो क्या होगा? तुमको छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तुमको छुटकारा मिल जाएगा। अगर दूसरी स्त्री आ जाए और उनसे मिल जाए तो बोलेगी अब हम क्या करेंगे? फिर उनको तो छूट है ना। पीछे वो अपने क्लास में आना जाना कर सकती है और छोड़ भी सकती है। तो युक्तियां चाहिए। पहले तो दिल का ममत्व जाना चाहिए, क्योंकि माताओं का पति में बच्चों में प्यार बहुत रहता है। इसीलिए कोई मुझे छुड़ावे, कोई मुझे छुटावे, ऐसे ऐसे कहती रहती है। जैसे कोई पेड़ को पकड़ ले और फिर कहे कोई मुझे इस पेड़ से छुटावे। बाप तो राय बताएंगे ना कि आकर के तुमको छुड़ाएंगे, हैं? छुड़ा करके हाथ पकड़ के ले जाएंगे। दुनिया क्या कहेगी, ये कैसा भगवान है? जो दुनिया वाले करते हैं वो ये भगवान इनका करता है। तो इन बातों में कोई रणियां मारने की तो दरकार नहीं है और रोने की भी कोई दरकार नहीं। ये तो समझ की दरकार है। अपने आप से विचार सागर मंथन करना है। हम मिसाल देते हैं ना। चलो मैं कोई बड़े अच्छे आदमी की स्त्री हूं, अभी मुझे लगन लगी है, मुझे बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बच्चे बहुत फर्स्ट क्लास हैं, मेरे पास फलानी फलानी चीज है। अच्छा, अभी बेहद के बाप ने मुझे कहा गृहस्थ व्यवहार में रहो, पवित्र रहो, मुझे याद करो। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। बाबा ऐसे तो नहीं कहते हैं काम काज न करो। सिर्फ पवित्रता के ऊपर है। कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र हो और ऐसा करके दिखाओ। ये नहीं कहा रोज रोज लड़ाई झगड़ा करके दिखाओ। और इसे अंतिम जन्म के लिए करो। अभी पवित्र रहना ये उनके ऊपर है। पति को समझा दें या एकदम जवाब दे दे दें, परंतु जवाब तब दे दें
जबकि अपना उनमें मोह न हो, नष्टो मोहा हो। अच्छा, ओम शांति।